हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया प्रेयस किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के मोदक, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अलग होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ सके। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे टिप्स पता चल सके। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, गैस की फ्लेम मैंने मीडियम पे ही रखी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप जो मोटी सूजी है उसको भी मिक्सर के हेल्प से इसके आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कप ना हो तो आप मेरे तरह किसी भी कटोरी का यूज कर सकते हैं। हम सूजी को कढ़ाई में डाल देंगे, घी और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस मिक्सर को लाइट ब्राउन कलर का होने तक भूनेंगे। इस मिक्सर को तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं भूनने में। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। जितना हमने सूजी ली उससे डबल हमें मिल्क लगा है यहाँ पे। फिर हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच शुगर। आप शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। फिर हम थोड़े से किशमिश डालेंगे और थोड़ा सा चॉप किया हुआ बादाम। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर, यानी कि इलायची पाउडर। हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे ताकि इसे अच्छा सा कलर आ जाए। कलर आप कौन से भी डाल सकते हैं। हम सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स, जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से फूल के तैयार है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम एक प्लेट लेंगे और उसे थोड़ा सा घी लगाकर हमारा मिश्रण है वो निकाल लेंगे। और हम इस मिश्रण को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे प्लेट में ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। हम इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए 1 आवर तक नॉर्मल इस पे रख देंगे। हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे और सांचे की हेल्प से इसके मोदक बना लेंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा मिश्रण भर देंगे ताकि जो हमारा मोदक है वो सभी साइड से अच्छे से बन जाए। हम नीचे से भी ऊपर का जो आया है वो निकालेंगे और नीचे से भी अच्छे से दबा दबा के मिश्रण अंदर भरेंगे। देखिए हमारा जो मोदक है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सारी बाजू से हमारा मोदक बहुत अच्छा दिख रहा है और मिश्रण भी बहुत अच्छे से भरा हुआ है। इसी तरह हम हमारे सारे मोदक बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सारे मोदक बनके रेडी है। इतने मेजरमेंट में हमारे 11 मोदक आराम से रेडी हो जाते हैं। इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।